नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 3 का 12वां अध्याय गणित का, जिसका शीर्षक है कैसे कैसे बांटे। बहुत आसान है, आपको कैसे कैसे बांटना है। आप ध्यान दीजिए, एक जैसे गुणों वाली चीज़ें, एक जैसी गुणों वाली चीज़ें, उनको आप एक साथ बांट दीजिए। जैसे कि यदि आपके यहाँ पे घर के पास खेत है, तो आप पशुओं को रख सकते हैं। पशुओं को भी हो सकता है आपके यहाँ हो, या आपने देखे हो किसी के यहाँ रिश्तेदारी में, या आप कभी गांव घूमने गए हो, या किसी पिक्चर में देखा हो कि जैसे उनके यहाँ रहता है बड़ा सा घर, जिसमें ऐसे ऐसे करके बर्तन बने रहते हैं, और यहाँ रहते हैं जानवर, ऐसे करके खाते हैं। तो ये जानवरों का एक समूह हो गया गाय का, मान लिए गाय। एक और है, वहाँ पे भी ऐसे बने होंगे, वहाँ पे है बैल, बैल बंधे हुए हैं जो खेती में काम लिया जाता है इनसे। और एक और है, मान लीजिए वो भी ऐसे छोटे छोटे, वहाँ बकरियाँ। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं आप, कुछ गाय, कुछ बकरी, कुछ बैल आपस में भिड़े हुए कुछ कुछ। और मगर अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, पशुओं को भी आपस में रहने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही जैसे पशु हैं सबके सब। तो एक जैसे जो गुण हैं चीज़ों के, वो बांटने के लिए हमें आवश्यक होते हैं, जो हम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो एक जैसी चीज़ें हैं, उन्हें एक ग्रुप में रखा जाए या एक सेट में रखा जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हर चीज़ से आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी, ऐसी चीज़ें स्टोर करने में एक जैसी एक चीज़ें, और आपको मैनेज करना भी आसान रहेगा। जैसे पशुओं का हमने जो उदाहरण देखा है, ऐसे आपने पक्षियों को भी उड़ते हुए देखा होगा आकाश में, बहुत सारे झुंड में, झुंड में पक्षी पक्षी पक्षी, बहुत सारे झुंड में ऐसे ऐसे पक्षी पक्षी, कोई इधर उठ रही थी, पक्षी पक्षी ऐसे झुंड में उड़ते हुए देखा, वो भी एक बांटने का वो है। वो एक ही जैसे पक्षी होते हैं जो ऐसे उठते हैं, ऐसे जो आपने उठते तो थे, इसमें अलग पक्षी नहीं रहते, सारे एक ही जाति के पक्षी हैं। और आपको देखिए कैसे बांट सकते हैं आप, जैसे आपके लिए जो है एक परचून की दुकान होती है ना, परचून की दुकान जहाँ मिलता है हमें राशन, एक जैसी चीज़ें, खाने पीने की जो कच्ची चीज़ें हैं या पैकेट वाले नमकीन बिस्किट, ये सब हमें यहाँ मिलेंगे, आटा चावल दाल नमक मसाले तेल, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें हमारे पास होती हैं दवाइयों की दुकान, दवाइयों की जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ। ये एक बांटने का तरीका हुआ। देखिए दोनों ही दुकानें हैं, दोनों ही जगह आप पैसे दें आपको चीज़ें मिलेंगी, मगर दवाइयों की दुकान आप देखते हैं अलग रहती है। इसी प्रकार से मिठाइयों की दुकान, मिठाइयों की जो दुकान रहती है उसमें कहीं लड्डू पेड़ा ये सब, मगर मिठाइयाँ हैं। वर्गीकरण का ये तरीका है कि एक जैसी जो चीज़ें हैं उनको एक सेट में रखा जाए। आप अपने आसपास ऐसे ही चीज़ें देखें, जैसे फल वाले जो हैं फल रखते हैं, सब्जी वाले सब्जी रखते हैं, अपने आसपास आप ऐसे ही चीज़ें देखें और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपने क्या देखा। धन्यवाद दोस्तों।